सो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके पास भी इस तरह का मेल आया होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का मेल आपके पास भी आया होगा। आखिर इस तरह का मेल यानी इस मेल से हमें यूट्यूब क्या बताना चाहता है, आखिर ये कौन सा क्या अपडेट हमें यूट्यूब देना चाहता है इस तरह के मेल से, तो हम आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे कि ये मेल आखिर है क्या, क्या हमें ये कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया या कॉपीराइट क्लेम यानी कोई भी कॉपीराइट आ गया हमारे चैनल पे। कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इस मेल के बारे में नहीं जानते हैं, वो घबरा गए हैं कि मेरे चैनल पे शायद कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं है, यूट्यूब हमें बताना चाहता है कॉपीराइट के बारे में, कॉपीराइट जो टूल्स है इसके बारे में हमें बताना चाहता है। तो इस मेल के थ्रू वो मेल सभी क्रिएटर्स को मेल किया है। तो हम आपको यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, आपको हम प्रॉपरली इसे पढ़ के आपको बता देते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो चलिए, हम यहाँ पे अपना ये मोबाइल स्क्रीन ऑन हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा है, यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में स्वर संतोष, ये मेरे चैनल का नाम है। तो यहाँ पे लिखा है लर्न अबाउट कॉपीराइट ऑन यूट्यूब, यानी ये कॉपीराइट के बारे में हमें बताना चाहता है यूट्यूब। या सबसे पहले हम यहाँ करते हैं क्या, इन सारे को इंग्लिश में आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाते हैं, ताकि यानी पढ़ के भी बताएंगे ताकि आप भी जान पाइएगा। चलिए हम यहाँ से करते हैं क्या, यहाँ से ट्रांसलेट कर लेते हैं सभी को, यहाँ से सभी को ट्रांसलेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं सभी को, सिलेक्ट कॉल किया, उसके बाद हम करिए ट्रांसलेट, ताकि आप भी आसानी से समझ पाए। चलिए ट्रांसलेट कर देते हैं, यहाँ पे हम ट्रांसलेट कर लिए। सिंपली हम आपको यहाँ बताना चाहे कि कॉपीराइट दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक और एक होता है कॉपीराइट क्लेम, यानी इन दोनों में बहुत यानी जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपके चैनल पे तीन कॉपीराइट चले आए 90 दिनों के अंदर में, तो आपका चैनल टर्मिनेट कर देता है, यूट्यूब डिलीट कर देता है आपका चैनल को ही। बट अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाए आपके चैनल के वीडियो पे, तो आपके चैनल पे कोई नहीं, बहुत सारे वीडियो पे भी कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा ना, तो कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका चैनल आसानी से मोनिटाइज भी हो जाएगा, यानी कोई फंदा इसमें नहीं है कॉपीराइट क्लेम में। बट अगर स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। ये हम दोनों के बारे में आपको बता दिए। चलिए हम आपको इस ईमेल के बारे में आपको हमको बता देते हैं। यहाँ लिखा गया कॉपीराइट पर सुराग, कॉपीराइट सुराग यह फर्स्ट में, उसके बाद यहाँ लिखा गया जब कोई यूट्यूब वीडियो सहित मूल कृति बनाता है, यानी जब मान लीजिए, ये सही बात है भाई, कोई भी कोई वीडियो बनाता है तो वो खुद का, जैसे मान लीजिए मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा ही वीडियो है, ये मेरा ही कॉन्टेंट है, वही यूट्यूब बता रहा है, उसके बाद आपको बता देते, तो वो स्वचालित रूप से कॉपीराइट के स्वामी होते हैं। ये मेरा वीडियो तो हम इसका कॉपीराइट के स्वामी हम खुद हैं, यानी ये मेरा वीडियो तो हम इसका ओनर खुद हैं, हम किसी को भी चाहें तो कॉपीराइट दे सकते हैं अगर मेरा वीडियो कोई यूज करता है। अगर मान लीजिए आप मेरी वीडियो को यूज करते हैं अपने चैनल पे, तो हम आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, ये समझ के। उसके बाद जैसा कि कानून द्वारा तय किया गया है, यूट्यूब नहीं, यानी ये कानून द्वारा तय किया है, यूट्यूब नहीं तय किया है कि अगर किसी का वीडियो है, आप कोई, अगर मेरा वीडियो आप कोई, आप दूसरा कोई यूज करता है, जैसे आप मेरे ही वीडियो को आप यूज कर रहे हैं, तो हम आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, ये कानून तय किया है, कानून तय किया है, यूट्यूब नहीं, ये बताना चाहता है। उसके बाद यहाँ नीचे गया, कॉपीराइट मूल कार्य के निर्माता को यह तय करने का कानूनी अधिकार देता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, यानी कानूनी अधिकार देता है कॉपीराइट के ओनर को, यानी जैसे कि मान लीजिए मेरा वीडियो आप यूज करें, तो हम आप मेरा खुद का यानी पूरा अधिकार है हम पे कि हम आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, क्लेम भी दे सकते हैं, स्ट्राइक भी दे सकते हैं, ये हम पे डिपेंड होता है, समझ गए। उसके बाद यह यूट्यूब को सभी के लिए बनाने और साझा करने के लिए एक सकारात्मक स्थान बनाए रखने में भी मदद करता है, यानी सभी के लिए एक समान है, सभी के लिए, सभी क्रिएटर्स के लिए एक समान है। ये कहता है जैसे मान लीजिए अब आपके चैनल पर आपका चैनल है, आपका वीडियो को यूज कर रहा है, तो ये कॉपीराइट यानी कॉपीराइट टूल देता है, उस टूल के माध्यम से आप जान पाइएगा कि आपका वीडियो कौन कौन यूट्यूबर्स, कौन कौन क्रिएटर्स यूज करता है। ये डेस्कटॉप साइट पे अपने चैनल को ओपन कीजिएगा, वहां पे रहता है सिस्टम, समझ गए। उसके बाद कॉपीराइट कठिन लग सकता है, इसलिए यह प्लेलिस्ट यूट्यूब पर कॉपीराइट और कंटेंट आईडी के काम करने के तरीके को समझने में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ है। यानी YouTube जो है इस ईमेल के माध्यम से वीडियो भी प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट का भी एक वीडियो, यानी कॉपीराइट के बारे में जितना भी टूल्स, कॉपीराइट कैसे आता है, कैसे अगर कॉपीराइट हमें अगर कोई फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है, ये भी इस वीडियो में यानी इसको प्लेलिस्ट में आपको दिखाया गया है। चेक इट पे क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट देखा है ना, वहाँ चेक इट पे जैसे क्लिक कीजिए वो आपके सामने में दिखा देगा। चलिए हम आपको वो प्लेलिस्ट भी दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं चेक आउट द प्लेलिस्ट, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में बहुत सारे ऐसे वीडियो चले आएंगे, उस वीडियो के माध्यम से आप जान पाइएगा कि कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट क्लेम क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, यानी सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाइएगा। यहाँ बहुत सारे आपको वीडियो, यहाँ पे प्लेलिस्ट ही आपको दे दिया है कॉपीराइट के बारे में, यूट्यूब क्रिएटर्स के ये वीडियो है। चलिए यहाँ पे हम आपको वीडियो दिखा देते हैं ताकि आप भी जान पाइएगा।
चलिए यहाँ पे वीडियो ओपन हो रहा है, यहाँ प्लेलिस्ट नहीं पूरा दे, यहाँ कंटेंट आईडी क्लेम्स, यहाँ देख सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट यहाँ दे दिया है कॉपीराइट के बारे में, सारा कुछ यहाँ से आप जान पाइएगा, यहाँ वीडियो देख के यहाँ से आप जान पाइएगा, यूट्यूब खुद बता रहा है। चलिए हम इसे बैक हो जाते हैं ताकि आगे हम बता पाएं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ तीन, यहाँ नीचे में देख सकते हैं तीन ऑप्शन दिया, तीन टिक दिया, तो ये तीनों को हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं इसके हिंदी में जान पाएंगे ताकि। चलिए हम यहाँ से करते हैं क्या, इसे हम थोड़ा सा यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हम आपको बता पाए अच्छी तरह से। ट्रांसलेट यहाँ थोड़ा सा स्लो चल रहा है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा आराम से, ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं यहाँ ट्रांसलेट हो रहा है, यहाँ पे आसानी से आप जान पाइएगा कॉपीराइट के बारे में। चलिए हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं हिंदी में हो रहा है, यहाँ जाने की यूट्यूब कॉन्टेंट आई डी दावे क्या है, उनका प्रबंधन और समाधान कैसे करें, और विवाद प्रतिक्रिया पर चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्राप्त करें। यानी YouTube के बारे में आपको जानने बोला, कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में आपको जानने के लिए बोला। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम है क्या आखिर। अगर फेक भी कॉपीराइट स्ट्राइक आपको दे के आपका चैनल को डिलीट करवा सकता है कोई भी बंदा, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, तो आपको पहले ये जानना होगा कि हमें फेक कॉपीराइट ये है क्या और ओरिजिनल कॉपीराइट है क्या और ओरिजिनल कॉपीराइट क्लेम क्या है, ये सारा चीज़ आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इसी के बारे में यूट्यूब आपको बता रहा है। उसके बाद सेकेंड में है, देखें कि आपके वीडियो में से किन किन यानी यदि कोई हो किन पर कॉपीराइट स्ट्राइक है, यानी आप देखें कि आपके वीडियो में किन पर कॉपीराइट स्ट्राइक है और उनसे निपटने के लिए आप अपने वीडियो को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके चैनल पे आपके वीडियो पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है, तो आप अगर आपका वीडियो है पूरा का पूरा वीडियो आपका, आप उस वीडियो पे किसी का कोई चीज़ भी यूज नहीं किए, तो आप उसे फिल्टर करके चेक कर सकते हैं कि आपके वीडियो पे कैसे कॉपीराइट आया। अगर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो आप क्लेम कर सकते हैं, वहाँ अपील कर सकते हैं, यानी अपील कर सकते हैं, अपील कीजिए यूट्यूब पर, अपील कीजिए यूट्यूब से, अपील कीजिएगा तो आपकी वीडियो को चेक करेगा, रिव्यू करेगा आपकी वीडियो, इस तरह आप उस वीडियो को रिव्यू कर देने के बाद अगर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक रहेगा तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा देगा, यानी अगर ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक रहेगा तो वो नहीं हटाएगा, ये समझ गए। इसीलिए निपटने के लिए आपको फिल्टर करके चेक करने बोला है आपकी वीडियो को, अगर आपका वीडियो है तो आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली नीचे हैं, सभी रचनाकारों के सामान्य प्रश्नों के उत्तर के साथ समझें कि आप यूट्यूब पर किस प्रकार की सामग्री पोस्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि आपको YouTube बता रहा है कि आप किस तरह के सामग्री, आप किस कैसे कैसे वीडियो को YouTube पर अपलोड कर सकते हैं, कैसे कैसे पोस्ट को आप अपने YouTube पर अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि ना आपको कॉपीराइट क्लेम आए ना आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आए, ये YouTube खुद बता रहा है। चलिए हम आपको फिर से बैक होके दिखाते हैं, अब यहाँ चेक, यहाँ चेक आउट, उसके नीचे यहाँ देख सकते हैं चेक आउट द प्ले लिस्ट, यहाँ प्ले लिस्ट दिया गया, आप जान सकते हैं वहाँ से कि आपको अब YouTube पर कैसे कैसे वीडियो अपलोड करना चाहिए, कैसे कैसे वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आए ना आपके कॉपीराइट, यानी ना आपको कॉपीराइट क्लेम आए। यहाँ जैसे ही चेक आउट प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में इसका प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, उस प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो दिया है, वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया, उस वीडियो के माध्यम से आप देख के वीडियो को जान सकते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम के बारे में कैसे कैसे वीडियो अपलोड करना चाहिए, कैसे कैसे वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए। यहाँ आपको देख सकते हैं ये वीडियो भी यहाँ आपके सामने में शो हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा डाटा, मेरा नेट जो है वो स्लो चल रहा है इसीलिए यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें आसानी से इस तरह आप जान पाइएगा इस मेल के द्वारा, यानी वीडियो के माध्यम से। यहाँ देख सकते हैं कॉन्टेंट आई डी क्लेम्स, इस क्लेम यहाँ क्लेम्स के बारे में बताया गया, ये अगर आपके चैनल पर कोई भी आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम्स आता है, कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक के बारे में आपको पहले बता दें, अब क्लेम्स के बारे में आपको बता देते हैं, आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम्स आता है तो आपके उस वीडियो से कोई दिक्कत नहीं, क्लेम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस होगा क्या कि आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन आपके जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया उस वीडियो से जितनी भी अर्निंग कीजिएगा आप वो सारा का सारा उस बंदे को चले जाएगा जो बंदा आपको कॉपीराइट क्लेम दिया है, समझ गए, जो बंदा आपको कॉपीराइट क्लेम दिया है उसी के पास सारा का सारा रेवेन्यू उसका चले जाएगा उस वीडियो पे जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है। यही पूरा का पूरा यहाँ पे बताया गया है, आप चाहे तो जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है उसे हटा भी सकते हैं, समझ गए। ये YouTube यही बताना चाहता है, कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट टूल्स के बारे में आपको YouTube बताना चाहता है इस मेल के द्वारा, समझ गए। तो आई होप इसके बारे में आप आसानी से समझ गए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।